और दोस्त, क्या हाल है आप सबको? दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको ये तो पता ही होगा कि हम दिवाली क्यों मनाते हैं, क्योंकि इस दिन 14 साल वनवास काटने के बाद श्री राम अपने घर अयोध्या वापस आए थे। भगवान विष्णु जी ने दुष्ट राक्षस रावण का वध करने के लिए पृथ्वी पर अपने मनुष्य रूप में श्री राम का अवतार लिया था। पर दोस्त, धरती पर हर इंसान का एक समय होता है, उस समय के बाद एक इंसान को धरती को छोड़ना ही पड़ता है। रामायण के पात्रों, घटनाक्रम और कथा को लेकर कई ग्रंथ रचे गए हैं। रामायण के कई पहलू आज भी चर्चा का विषय हैं, और इनमें से एक ये है कि श्री राम जी की मृत्यु कैसे हुई। तो दोस्त, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि श्री राम की मृत्यु कैसे हुई थी। तो चलिए देखते हैं। दोस्त, आप रामायण की इस कहानी के बारे में तो जानते ही होंगे कि रावण का वध करने के बाद और अपने 14 साल का वनवास पूरा करने के बाद राम जी अपने घर अयोध्या वापस आए थे, और फिर वे अयोध्या नगरी के राजा बने थे और खुशी से वहाँ रहने लगे थे। लेकिन इसी बीच उनके राज्य में रहने वाले एक धोबी के साथ हुई घटना ने राम जी को एक बहुत बड़ी दुविधा में डाल दिया था। इस घटना में ये हुआ था कि धोबी की पत्नी एक रात तक घर वापस नहीं आई। जब सुबह को वे वापस आई तो धोबी ने तो अपनी पत्नी को स्वीकार कर लिया था, लेकिन अयोध्या के निवासियों ने धोबी के इस निर्णय का पूरा विरोध किया। जब ये बात श्री राम की राज्यसभा में पहुंची, तो भरत ने ये कहा कि अयोध्या के न्याय विधान के अनुसार धोबी को अपनी पत्नी को त्यागना पड़ेगा, क्योंकि उसकी पत्नी अब अपवित्र हो चुकी थी। दोस्तों, भगवान राम जानते थे कि उनकी खुद की पत्नी सीता अग्नि की तरह पवित्र है, पर फिर भी उन्हें अपना राजधर्म निभाना था। उनको धोबी ही नहीं बल्कि पूरी अयोध्या वासियों को ये दिखाना था कि धर्म इच्छा से पहले आता है। तो धोबी को अपनी पत्नी का त्याग करते समय भगवान श्री राम ने भी सीता जी का त्याग कर दिया। राम जी ने ऐसा निर्णय लेकर अयोध्या निवासियों को यह बताया कि उनका अपनी पत्नी के प्रति प्रेम और अपनी निजी इच्छाएं अयोध्या के न्याय विधान से पहले नहीं आती, और उन्होंने सीता जी का त्याग करते हुए न्याय विधान का पालन किया। इसी के चलते श्री राम के भाई लक्ष्मण देवी सीता को एक भयानक वन में छोड़ आए थे। तब सीता जी ने उसी वन में रहकर तप करने वाले महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में शरण ली थी, और उन्हीं के आश्रम में रह के उन्होंने अपने पुत्रों को जन्म दिया था। और जिस दिन देवी सीता ने अपने पुत्रों को श्री राम को दिया, तब वे स्वयं अपनी जननी देवी पृथ्वी में समा गई। भगवान राम कई वर्षों तक पृथ्वी पर रहे थे। श्री राम ने अपने सारे कर्तव्यों को पूरा कर लिया था, तो एक दिन महाकाल एक तपस्वी के रूप में उनसे ये कहने आया कि मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ, पर उससे पहले आपको ये वचन देना होगा कि जो कोई भी हमारी बात सुनेगा तो आपको उसे मृत्यु दंड देना पड़ेगा, और अगर हमें आपस में बात करता हुआ भी कोई देखे तो उसका आपको वध करना होगा। तपस्वी की ये शर्तें मानते हुए भगवान राम उन्हें अपने कक्ष में ले गए। जाते जाते भगवान राम ने अपने पास खड़े लक्ष्मण जी से कहा कि तुम कक्ष के बाहर पहरा दो और ध्यान रखना कि कोई अंदर ना आए। जैसे ही भगवान राम और तपस्वी जी कक्ष में गए, तो जाते ही तपस्वी जी ने भगवान राम से कहा कि मैं काल हूँ और मुझे ब्रह्मा जी ने आपके पास यह जानने के लिए भेजा है कि आपके जितने कर्तव्य मृत्यु लोक में थे वो आप पूरे कर चुके हैं, इसलिए आप अब पृथ्वी पर और रहना चाहते हैं या अपने परम धाम पर वापस जाना चाहते हैं। लेकिन उसी समय दुर्वासा ऋषि भगवान राम से मिलने उनके द्वार पर आ गए थे, और उन्होंने द्वार पे खड़े लक्ष्मण जी से ये कहा कि श्री राम को मेरे आने की सूचना दे दो, मुझे उनसे जरूरी बात करनी है। पर श्री राम के आदेश का पालन करते हुए लक्ष्मण जी ने दुर्वासा ऋषि से यह कहा कि श्री राम अभी व्यस्त हैं और वे अभी आपसे नहीं मिल सकते, आप थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए। ये सुनकर दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ गया, और अपनी अपार शक्तियों का प्रदर्शन करते हुए उन्होंने ये कहा कि श्री राम को मेरे आने की अभी सूचना दो, नहीं तो मैं श्राप देकर समस्त रघुकुल सहित ये सारी अयोध्या इसी क्षण में भस्म कर दूंगा। दुर्वासा ऋषि की यह बात सुनकर लक्ष्मण जी ने यह सोचा कि केवल मेरी मृत्यु से अयोध्या बच सकती है, तो यही उत्तम है। और यह सोचकर लक्ष्मण जी काल से बातचीत करते हुए श्री राम के कक्ष में चले गए। लक्ष्मण जी को देखते ही काल वहां से गायब हो गए। भगवान राम ने काल के सामने ही लक्ष्मण जी को यह वचन दिया था कि जो उनकी बातें सुनेगा या उन्हें बात करते हुए देखेगा तो उन्हें उसका वध करना पड़ेगा।
अपने इस वचन के चलते हुए भगवान श्री राम परेशान हो गए, क्योंकि अब उन्हें अपने ही भाई का वध करना पड़ेगा। परंतु राम जी की इस दुविधा का समाधान करने के लिए वशिष्ठ जी ने ये बोला कि आप लक्ष्मण जी का त्याग कर दो, क्योंकि किसी भी साधु पुरुष का त्याग करना उसका वध करने के ही समान होता है। वशिष्ठ जी की बात सुनकर भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी का त्याग कर दिया, और राम जी के त्याग करने से लक्ष्मण जी वहां से आंसू बहाते हुए सीधे सरयू नदी के अंदर चले गए। वहां पर उन्होंने अपनी सारी इंद्रियों को वश में कर अपनी सांस रोक ली। सारे देवताओं ने लक्ष्मण जी को देखकर उनके ऊपर फूलों की वर्षा कर दी, और आखिर में इंद्रदेव उन्हें स्वर्ग में लेकर चले गए। आखिर में लक्ष्मण जी की मृत्यु लोक को छोड़ने के बाद भगवान श्री राम ने पृथ्वी को छोड़ने का निर्णय ले लिया। भगवान श्री राम का यह निश्चय जानकर सुग्रीव सहित सभी वानर और विभीषण भी वहां आ गए, और यही नहीं अयोध्या के काफी निवासी भी उनके साथ साथ आ गए। लेकिन उस समय भगवान श्री राम ने जाम्बद, हनुमान और इनके अलावा तीन और लोग सहित इनको मृत्यु लोक से आने से मना कर दिया। भगवान ने हनुमान जी को ये बोला कि हनुमान कि तुम कलयुग तक मेरे नाम को जिंदा रखना, और आखिर में सभी वानर और अयोध्या वासियों ने भगवान श्री राम के साथ सरयू नदी में प्रवेश किया और उस सरयू नदी के जल में विलीन हो गए। तो दोस्तों ये है कहानी श्री राम की मृत्यु की। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको सारी लेटेस्ट वीडियो जरूर मिल पाए। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक और वीडियो के साथ।